Welcome to one and all. We started with the chapter microprocessor 8085 from CS2. Okay, and currently we are doing the pin diagram of 8085 and functions of all 40 pins. So for the functions of pin, we completed already 3 lectures and this is the 4th and last lecture for your pin functions. Okay, so in this session we will do functions of S0, S1, IO/M bar, read bar, write bar, HLDA and hold pin. Okay, let's see it one by one. S0 and S1 pin. Okay, so first of all, in your microprocessor pin diagram, you are having S0 on pin number 29 and S1 at 33. Okay. These pins are active high. Active high का मीनिंग मैंने बताया था, जब भी इसका वैल्यू 1 होगा तभी ये एक्टिव होगा. ओके, इन बोर्ड इट इज आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स फॉर 1 मार्क और जब भी पूछेंगे ये दोनों साथ में रहता है एंड यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट एंड यू हैव टू ड्रॉ द टेबल ऑल्सो. ओके, सो इस पिन्स को क्या बोलते हैं? दीज आर सिग्नल पिन्स. एस का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? स्टेटस सिग्नल और सिग्नल पिन्स. ओके, these are status signal sent by microprocessor to check the whether various operation, to check the various operations. ठीक है, what it means कि microprocessor at present क्या काम कर रहा है, it is depend on the value of S0 and 1. okay, so let's see it one by one. तो S0 और S1 दोनों जब 0 होंगे, what it means, प्रोसेसर अभी हॉल्ट स्टेट में है. मतलब प्रोसेसर इज नॉट बिजी विथ एनी काइंड ऑफ वर्क. प्रोसेसर अभी फिलहाल हॉल्ट स्टेट में है. ओके, S0 का वैल्यू 0 एंड S1 का अगर 1 है, मींस रीड ऑपरेशन हो रहा है. व्हाट इट मींस, प्रोसेसर क्या कर रहा है? अभी डेटा को रीड कर रहा है, मींस इनपुट ले रहा है फ्रॉम यूजर. S0 इज 1 एंड S1 इज 0. So here it is write operation is carried out by the processor, means वो data को finally output के format में बाहर दे रहा है. Okay, and if both the input, both the signal inputs are 1 1, दोनों भी अगर 1 है तो opcode fetch. What it means कि जो भी opcode का meaning आपको मैं बताने वाली हूँ बाद में, instructions जो भी लिखे होंगे, suppose move A, B, so this is known as opcode. मतलब ये एक टास्क है जो प्रोसेसर कर रहा है, तो ये टास्क कर रहा है वो. ओके, 00 पे हॉल्ट है, 01 पे वो रीड कर रहा है डेटा, 10 पे लिख रहा है वो फॉर फाइनल आउटपुट एंड 11 पे opcode फेच कर रहा है, मतलब जो भी उसको काम दिया है वो एग्जीक्यूट कर रहा है. ओके, कीप इन माइंड opcode फेच मीन्स वॉट, जो भी काम दिया है प्रोसेसर को वो एग्जीक्यूट कर रहा है. ओके, सो दिस इज योर S0 एंड 1 पिन, विच इज़ वेरी सिंपल और जब भी पूछेंगे ये आपको दोनों पिन साथ में होगा एंड यू हैव टू ड्रॉ द टेबल ऑल्सो. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, IO/M bar. ठीक है, सो IO का मीनिंग होता है इनपुट आउटपुट एंड M इज मेमोरी. तो IO/M यहाँ पे दोनों को कंबाइंड यूज किया है. एट अ टाइम ओनली 1 विल वर्क, इसलिए मेमोरी पे बार है यहाँ पे. ओके, इसलिए मेमोरी पे क्या है? बार है. लेट्स सी, इट इज अ स्टेटस सिग्नल इंडिकेट्स वेदर एड्रेस बस इज फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी. मतलब एड्रेस बस जो है वो एट प्रेजेंट इनपुट आउटपुट के साथ काम कर रहा है या मेमोरी के साथ काम कर रहा है. ओके, तो एम पे बार का मीनिंग क्या हुआ? अगर IO/M bar इज 1, सो व्हाट इट मींस, M bar अगर 1 है तो IO इज इक्वल टू 1. ओके, और अगर मैंने M bar को 1 दिया, मींस व्हाट, M इज 0. ओके, M bar मींस 1 bar विल गिव यू 0. सो दिस टाइम व्हेन IO/M bar इज 1, दैट मींस इनपुट आउटपुट इज एक्टिव. ओके, इफ IO/M bar इज 0, इस टाइम क्या होगा एक्टिव? IO/IO इनपुट आउटपुट अगर 0 है, मीन्स इट इज नॉट एक्टिव. और
m bar is equal to 0 means 0 bar will give you 1. Means जब input output slash m bar 0 होता है तब memory active होता है और जब io slash m bar 1 होता है तब input output active होता है. Okay, so keep in mind. So ये जो signal pin है ये क्या बताएगा कि address bus अगर busy है तो कहाँ busy है, कि वो इनपुट आउटपुट के साथ बिजी है या मेमोरी के साथ बिजी है. तो वो कैसे पता चलेगा, वो इसके वैल्यू 0 और 1 पे डिपेंड है. ओके, व्हेन इट गोज हाई, हाई मींस अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर से बताती हूँ, आईओ स्लैश एम बार. तो उसने बोला जब ये, इसलिए यहाँ पे एम के लिए बार है. ओके, व्हेन इट गोज हाई द एड्रेस बस प्रिफर इनपुट आउटपुट डिवाइस. ओके, मैंने बोला कि अगर ये 1 है मींस व्हाट, मेमोरी का क्या हो गया वैल्यू, 1 बार इज 0 मींस इनपुट आउटपुट एक्टिव है. ओके, एंड व्हेन इट गोज लो, मतलब आईओ स्लैश एम बार अगर लो हो गया है, सो क्या प्रेफर करेगा, लो हो गया मींस 0 बार इज 1, दैट मींस यहां पे मेमोरी एक्टिव है, इट विल प्रेफर मेमोरी. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग इफ वी विल कंबाइन दिस आईओ स्लैश एम बार S0 and 1, तीनों पिन्स को, तीनों भी क्या है, स्टेटस पिन्स ही है, सिग्नल पिन्स ही है. ओके, तो अगर तीनों को कंबाइन किया है तो डेटा कैसे मिलेगा, विल सी दिस. ओके, सो आई विल शो यू विद दिस पैरेलली. सी हियर, अभी यहाँ पे आईओ स्लैश एम बार में 2 times 0, 2 times 1 एंड 0 1 लिखा है. ओके, एंड S0 और S1 में यहाँ पे आपको 0 1 1 0 0 1 1 0. ओके, मीन्स रीड राइट ये यहाँ पे काम चालू है, एंड 2 times 1 1. ओके, तो जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस इनपुट बुक, बिकॉज जब भी तीनों 0 है दैट टाइम प्रोसेसर इज एट हॉल्ट स्टेट ओनली. ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है. तो 0 1 1 0, 0 1 1 0 1 1 1 1, जस्ट कीप इन माइंड लाइक दिस. यहाँ पे 0 0 1 1 0. ओके, सो लेट्स सी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपरली कैसे होता है. जब भी 0 1 है, S0 एंड 1 इज 0 1, लेट्स सी इन चार्ट ऑफ S0 एंड 1 क्या कर रहा है प्रोसेसर, रीड कर रहा है. ओके, बट इनपुट आउटपुट इज 0. लेट्स सी अगर आईओ स्लैश एम बार 0 है मीन्स क्या एक्टिव है, मेमोरी एक्टिव है. दिस टाइम मेमोरी इज एक्टिव. ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम, जहाँ पे भी 0 है बाय डिफॉल्ट वहाँ पे क्या है, मेमोरी एक्टिव है. ओके, और जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्टिव है. ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है. ओके, सो आईओ स्लैश का मीनिंग हमने लिख लिया, आईओ स्लैश एम बार का. नाउ 0 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीड, मीन्स रीड फ्रॉम मेमोरी. ओके, एट प्रेजेंट इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार में क्या है, मेमोरी एक्टिव है. ओके, सो इट इज रीड फ्रॉम मेमोरी. नाउ अगेन यहाँ पे मेमोरी एक्टिव है एंड इट इज 1 0. नाउ 1 0 का क्या मीनिंग था, राइट. सो अब आप क्या लिखोगे, यहाँ राइट फ्रॉम मेमोरी. ओके, राइट फ्रॉम मेमोरी यहाँ पे एक्टिव है. तो ये भी हो गया सिंपल, इट इज. नाउ अगेन 0 1 0 1 मीन्स रीड, बट यहाँ पे क्या है अभी, इनपुट आउटपुट. So this is read from input output device. Okay, read from input output device. And यहाँ पे IO slash M bar में write to input output device, यहाँ पे 2 होगा. Okay, so IO slash M bar 1 0 का meaning क्या होता है, write होता है. तो input output active है, so write to input output device. So this is very simple. जब आप इसको समझ के लोगे ना कि ये सिग्नल पिन्स का क्या मीनिंग है, और उसको अगर इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार के साथ मिक्स करके आप लिख रहे हो, ओके, देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 0 एंड 1. ओके, नाउ 1 1 का मीनिंग यहाँ पे क्या था, ऑपकोड फेच. ओके, यू कैन सी दिस ऑपकोड फेच, यहाँ पे मेमोरी वैल्यू 0 है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपकोड फेच हो रहा है. जस्ट कीप इन माइंड, मीन्स मेमोरी एक्टिव है. मेमोरी एक्टिव है मीन्स indirectly memory is busy with the operation of microprocessor. So this is the process of opcode fetch. Okay, जब input output active है और यहाँ पे भी 2 times 1 है तो क्या process हो रहा है, means external input output devices are active.
you here. Okay, so this is the signal of interrupt acknowledgement. कि interrupt कुछ तो occur हुआ है, ये processor को पता चल गया है. Okay, so जब ये 111 होगा, so that time the thing is कि वो input output के साथ processor busy है. Input output means कि कुछ input output devices हैं जिसके through interrupt occur हुआ है. Okay, so this will give you interrupt acknowledgement. Okay, so simply जब M है read and write from to memory, input output है तो same read write from input output devices or write to input output device. Okay, so this is very much simple if you will practice it with logic. Okay, logic 01 के साथ आप practice करोगे तो ये बहुत simple है. Now the next one, write bar. WR means write bar. This is pin number 31. It is active low. Active low का क्या meaning है? जब ये zero होगा, low होगा, तब ये active है. Okay, means अगर इसका value zero कर दिया, so write bar की जगह आप zero लिख दो अभी. Now zero bar means complement of zero, that is one. Okay, means जब भी ये low है, तब ये active है. This is write control signal. ओके, राइट कंट्रोल सिग्नल है ये. ये क्या करता है? राइट फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसके लिए हेल्प करता है. ओके, दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट डेटा ऑन डेटा बस आर टू बी रिटन ऑन सिलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन. ओके, जो हमने जस्ट अभी यहाँ पे पढ़ा, जो राइट है ना यहाँ पे फंक्शन, ये वाले बस यही सेम लाइन और यही फंक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं? दिस इज विथ राइट बार. ओके, इफ यू विल रीड इट वंस अगेन यू विल गेट इट. ओके, दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट डेटा ऑन डेटा बस, जो भी डेटा है डेटा बस पे, वो कि कहाँ पे उसको डेटा लिखना है. ओके, उसको मेमोरी पे राइट करना है डेटा या इनपुट आउटपुट लोकेशन पे. ओके, ये कहाँ पे डिपेंड होगा? ये इस पे डिपेंड होगा, IO/M bar पे डिपेंड होगा. अगर ये वन है मीन्स इनपुट आउटपुट लोकेशन से पे डेटा लिखना है. अगर ये एम बार इज इक्वल टू जीरो है मीन्स मेमोरी पे डेटा लिखना है. ओके, सो दिस इज लिंक्ड विथ दिस पिन, कीप इन माइंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन पैरेलली रीड बार. ओके, इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन एंड इट इज डिपेंड ऑन योर IO/M bar. This is active low pin. Similarly, when you are having value 0, that time it is active. This is pin number 32. This is read control pin signal. Okay, this signal indicates that data from data bus are to be read from input output location or memory. Okay, so read pin agar 0 hai, to wo pehle kya check karega? कि IO/M bar का वैल्यू क्या है. अगर IO/M bar 1 है और रीड पिन 0 है, मींस व्हाट? यू हैव टू रीड डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट लोकेशन. ओके, एंड इफ इट इज 0 दैट टाइम रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी. ओके, सो रीड राइट पिन, सिग्नल पिन, IO/M bar, दीज ऑल पिन्स आर इंटरलिंक्ड. ओके, तो जब भी आप इसके फंक्शंस पढ़ रहे हो तो सब सारे फंक्शंस पिन के साथ में पढ़ो, जिससे आपको हर एक में क्या चेंजेस हो रहा है ये समझ में आए. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, होल्ड पिन. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट पिन, रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट पिन. होल्ड पिन, दिस इज योर पिन नंबर 39 एंड दिस इज एक्टिव हाई. अकॉर्डिंग टू द नेम होल्ड, यू विल गेट समथिंग दैट ये कुछ तो यहाँ पे डेटा को होल्ड कर रहा है. कैसे होल्ड कर रहा है? लेट्स सी. एड्रेस बस एंड डेटा बस, ठीक है, ये दोनों का काम क्या है? डेटा को सेंड करना है. ठीक है, सेंड डेटा टू माइक्रो प्रोसेसर, बट माइक्रो प्रोसेसर इज बिजी विथ प्रीवियस एग्जीक्यूशन. यहाँ पे मैंने इसको बहुत प्रॉपर थेरी में लिख के आपको दिया है, जिससे देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस. ओके, जिससे आपको एक्चुअल होल्ड पिन का काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये समझ में है. मतलब एड्रेस बस और डेटा बस क्या करते हैं? माइक्रोप्रोसेसर को डेटा सेंड करते हैं. बट माइक्रोप्रोसेसर क्या है? माइक्रोप्रोसेसर को तो बहुत सारे काम है. ओके, तो माइक्रोप्रोसेसर प्रीवियस एग्जीक्यूशन के साथ बिजी है. तो इन लोग ने क्या किया, इनके पास खुद का डेटा जो है वो लोग अभी डेटा लेके वेट कर रहे हैं. ओके, कि माइक्रोप्रोसेसर कब फ्री हो.
तो जबी भी एड्रेस बस एंड डेटा बस वेट करते हैं, ठीक है, और वो माइक्रोप्रोसेसर के फ्री होने का वेट करते हैं, उस टाइम ये होल्ड पिन गोज हाई। ये मैं आपको एक स्टोरी जैसा ही बता रही हूँ, उस टाइम क्या हो जाता है, ये होल्ड पिन वन हो जाता है। ओके, तो माइक्रोप्रोसेसर को ये समझ में आ गया कि अरे यार मैं तो बिजी हूँ बट डेटा जो है वो वेट स्टेट में जा रहा है, ठीक है, डेटा लेके कोई तो वेट कर रहा है। सो माइक्रोप्रोसेसर रिक्वेस्ट DMA, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, DMA कंट्रोलर क्या करता है, एड्रेस बस और डेटा बस से डेटा लेके प्रोसेस करेगा, ठीक है। सो माइक्रोप्रोसेसर रिक्वेस्ट DMA, जैसे ही होल्ड पिन वन हो गया, माइक्रोप्रोसेसर को समझ में आ गया कि पीछे पीछे मेरे पास और भी डेटा है प्रोसेस करने के लिए, तो वो DMA को बुलाता है। ओके, DMA कंट्रोलर को उसने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस बस एंड डेटा बस, ठीक है। ये आपको शायद यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला क्या पॉइंट है, माइक्रोप्रोसेसर कुछ काम कर रहा है और वो बिजी है, एड्रेस बस एंड डेटा बस खुद का डेटा माइक्रोप्रोसेसर को सेंड करना चाहते हैं बट माइक्रोप्रोसेसर इज बिजी। तो जैसे ही माइक्रोप्रोसेसर को पता चलता है कि ये दोनों अपना डेटा लेके वेट कर रहे हैं तो होल्ड पिन वन हो जाता है। होल्ड पिन का वन होने का मतलब क्या है कि माइक्रोप्रोसेसर ने एक हेल्पर मांगा। ओके, मैं एक ऐसे टर्म्स में बता रही हूँ कि आपको क्लियर हो। माइक्रोप्रोसेसर ने एक हेल्पर की डिमांड की एंड दैट हेल्पर इज DMA। ओके, तो DMA को रिक्वेस्ट किया कि तुम एड्रेस बस और डेटा बस से सिर्फ डेटा लेके रखो, इनपुट आउटपुट का काम करो, आई विल प्रोसेस द डेटा, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेसिंग कौन करेगा, प्रोसेसर ही करेगा। ओके, तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में बताती हूँ, एड्रेस बस डेटा बस, ठीक है, ये दोनों को काम है कि वो माइक्रो प्रोसेसर को डेटा सेंड करें, एड्रेस बस भी सेंड कर रहा है डेटा बस भी, बट ये ऑलरेडी बिजी है। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर ने जब डिमांड किया सो देयर इज वन DMA। ओके, तो DMA को उसने बुलाया कि तू मेरे ये कंट्रोल्स को यहाँ से हटा के अपने पास ट्रांसफर कर ले, ओके, जब तक मैं बिजी हूँ, क्लियर। तो DMA बाईपास द माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोसेस इनपुट आउटपुट डेटा। तो DMA एक्टिव होके क्या बोला उसने, ठीक है, मैं जब तक एड्रेस बस और डेटा बस से मैं डेटा ले रहा हूँ, आप अपना प्रीवियस एग्जीक्यूशन कंप्लीट करो। ओके, एज सून एज द करंट एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड, माइक्रो प्रोसेसर टेक्स द कंट्रोल बैक फ्रॉम DMA एंड होल्ड पिन गोज लो। तो ठीक है, अभी इसने क्या किया, अपना डेटा लेके रखा है DMA ने माइक्रो प्रोसेसर को बाईपास कर दिया और उनको बोला कि प्रोसेसर बिजी है, डेटा मेरे पास जमा करो। ओके, तो जैसे ही, और मैं उनको थोड़ा प्रोसेस करता हूँ, प्रोसेस मीन्स इनपुट आउटपुट के लिए जो भी स्टोरेज करना है, राइट करना है, रीड करना है, मैं वो काम करूँगा खाली। ओके, बट ऑपकोड फेच कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर ही करेगा। तो जैसे ही वो क्लॉक साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर का काम कंप्लीट हुआ, माइक्रो प्रोसेसर ने क्या कर दिया, होल्ड पिन, माइक्रो प्रोसेसर ने ये दिखाया कि अब मैं फ्री हो गया, तो उस टाइम क्या हो गया, होल्ड पिन इज लो। होल्ड पिन लो हो गया मीन्स वॉट, DMA को समझ गया कि माइक्रो प्रोसेसर अब फ्री हो गया है। ओके, सो DMA विल गिव कंट्रोल बैक टू माइक्रो प्रोसेसर। DMA क्या करेगा, AB और DB एड्रेस बस और डेटा बस का कंट्रोल फिर से वो माइक्रो प्रोसेसर को दे देगा। ओके, क्योंकि वो कब तक के लिए लिया था उसने, जब तक प्रोसेसर बिजी है। सो आई होप कि मैंने आपको ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, इसका थ्योरी आपको बड़ा दिख रहा होगा लेकिन पर्पजली मैंने हर एक स्टेटमेंट आपके लिए बताया है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर अगर बिजी है तो एड्रेस बस डेटा बस को कहीं और डेटा सेंड करने के लिए कौन बोला, माइक्रो प्रोसेसर ने। एक्टिव कौन हुआ है, DMA हुआ है, तो उसने बोला जब तक DMA को डेटा सेंड करो ही विल डू द इनपुट आउटपुट वर्क, ठीक है, और मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपको, आपके डेटा को मैं प्रोसेस करूँगा, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ होल्ड पिन। नाउ द नेक्स्ट वन, HLDA। ओके, ये आपकी लास्ट पिन होगी 40 पिन में, दिस इज एक्टिव हाई। ओके, एंड दिस इज पिन नंबर 38। दिस सिग्नल प्रोड्यूसेस द होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ये HLD मीन्स व्हाट, होल्ड
एंड ए फॉर एक्नॉलेजमेंट. जो होल्ड पिन अभी हमने पढ़ा उसका वर्किंग, उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए ये एच एल डी ए पिन होती है. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग व्हेन एच एल डी ए पिन इज वन? ठीक है, व्हाट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स टू पेरिफेरल, जो सराउंडिंग में है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनको उसने बताया दैट द होल्ड रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड. ओके, होल्ड रिक्वेस्ट, जो एक्चुअल में माइक्रोप्रोसेसर ने होल्ड रिक्वेस्ट जनरेट किया था, वो एक्सेप्ट हो गया है. एंड नाउ डीएमए, फॉर डीएमए कंट्रोलर फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. तो जो होल्ड पिन है वो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया है और डीएमए कंट्रोलर एक्टिवेट हो गया है फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. ओके, एंड माइक्रोप्रोसेसर विल टेक बैक कंट्रोल फ्रॉम डीएमए इन नेक्स्ट क्लॉक साइकिल. तो जब तक माइक्रोप्रोसेसर का ये क्लॉक साइकिल में काम हो नहीं जाता है, तब तक डीएमए एक्टिव है, और जैसे ही काम हो जाएगा वो डीएमए से कंट्रोल्स अपने वापस ले लेगा. कैसे समझेगा? जब एचएलडीए पिन वन है तब समझ में आएगा. ओके, आफ्टर रिमूवल ऑफ होल्ड रिक्वेस्ट मीन्स जब एचओएलडी पिन, मैंने बोला जब लो हो जाएगा, मीन्स अगेन कंट्रोल कहाँ पे है? माइक्रोप्रोसेसर के पास है. एचएलडीए पिन गोज लो, उस टाइम क्या हो जाएगा? एचएलडीए भी जीरो हो जाएगा. ओके, तो वो भी समझ में आ गया कि माइक्रोप्रोसेसर ने सारा कंट्रोल फिर से वापस ले लिया है और एचएलडीए पिन क्या हो गया? जीरो हो गया. ओके, सो आई होप कि ये मैंने आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में अच्छे से बता दिया है, और प्लीज़ इसका प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, जिससे आपका ये थ्योरी विद दिस वैल्यू जीरो एंड वन. ओके, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दिस फंक्शंस ऑफ पिन, प्लीज़ प्रैक्टिस विद दिस वैल्यू जीरो एंड वन. जीरो होगा तो क्या होगा, वन होगा तो क्या चेंज होगा. ओके, लाइक दिस, डोंट बाय हार्ट द थ्योरी. ठीक है, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर पिन डायग्राम एंड फंक्शंस ऑफ ऑल पिन्स. Now the next content will be internal block diagram of microprocessor 8085, and this is really important topic for board for 4 marks. Okay, so this we will do in our next class. Till that time, practice all the functions of this 40 pin structure. Okay, and if you are facing any kind of difficulties, so please mention through comment. Okay, thank you class.